एक और अहम सवाल कि मैं आपके संगठन को मैं बड़े लंबे अरसे से कवर कर रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी को, तो देखिए आपका जो कार्यकर्ता है वो बड़ा इमोशनल है और आपका कार्यकर्ता बूथ से लेकर लड़ता है, भिड़ता है, ये आप ही लोग कहते हैं अपने भाषणों में, तो उस कार्यकर्ता के सामने बड़ा संकट नहीं आपको नहीं लगता कि अब जब सत्ता पे भागीदारी की बात आती है या हिस्सेदारी की बात आती है, हालांकि आपके संगठन में शब्दावली का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आप मेरी भावना समझिए जो मैं कह रहा हूँ, तो आपको नहीं लगता कि आपका भी दिल दुखा, लेकिन उनका तो दिल दुखा होगा जो जमीन पर कार्यकर्ता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता यही बीजेपी का एसेट है, क्योंकि ये कार्यकर्ता ऐसा है कि 90% हमारे कार्यकर्ताओं को ये पता है कि उनको जिंदगी में कुछ नहीं मिलने वाला, वो पार्षद भी नहीं बनने वाले, क्योंकि अल्टीमेटली एक लिमिटेड नंबर है, पार्षदों का भी नंबर लिमिटेड होता है, लेकिन फिर भी वो काम करता है क्योंकि उसके काम की प्रेरणा ये सत्ता नहीं है, उसके काम की प्रेरणा ये विचार है जी। और मैं ऐसा मानता हूँ कि ये जो कार्यकर्ता है इसी के बदौलत भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ रही है। तो आज जब लोग पार्टी में आते हैं या नए नए लोग पार्टी के साथ जुड़ते हैं, तो ये कार्यकर्ता इस बात को समझता है, क्योंकि आज उसका एम क्या है, आज उसका एम है कि हमारे विचारों को और हमारे राष्ट्रवाद को मंडित करने वाले मोदी जी है जी। तो वो आज ये मानता है कि मोदी जी के लिए, मोदी जी को तीसरे बार प्रधानमंत्री बनाना है, देश को मोदी जी का नेतृत्व चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी करने को तैयार है, उसको कोई गम नहीं है, उसको कोई चिंता नहीं है, ठीक है, वो ये सारी परिस्थितियों में भी काम करने के लिए तैयार है।